नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 का जीव विज्ञान का अध्याय 5 वंशागति और विविधता के सिद्धांत। वंशागति अर्थात किसी भी वंश का आगे बढ़ना, प्रत्येक जीव जंतु और पौधा अपने वंश को आगे बढ़ाता है तो उसको कहेंगे वंशागति। और विविधता, उसमें जो विभिन्नताएं आती हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी जितनी भी विभिन्नताएं आएंगी वो सारी विविधता में होती हैं, विभिन्न विविधता के सिद्धांत में आ जाते हैं। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे अनुवांशिक लक्षण। आनुवंशिक लक्षण, अनुवांशिक लक्षण वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, तो ऐसे लक्षण क्या कहलाएंगे? अनुवांशिक लक्षण। यूरोप के ऑस्ट्रिया देश के ब्रून शहर के एक वैज्ञानिक थे ग्रेगर जॉन मेंडल। उन्होंने अनुवांशिकता की नींव रखी, ग्रेगर जॉन मेंडल, इन्होंने अनुवांशिकी के नियमों की खोज की। इन्होंने खोज की मटर, जिसका वनस्पतिक नेम है पाइसम सैटाइवम। इन्होंने मटर पर खोज की। ये एक चर्च में पादरी थे और उन्होंने मटर या पाइसम सैटाइवम पर कुछ अपने अनुवांशिकी प्रयोग किए, इसलिए इनको कहा जाता है अनुवांशिकता का पिता। जब इन्होंने ये प्रयोग किए, लेकिन जिस समय इन्होंने प्रयोग किए उस समय ये हमारे जीव विज्ञान के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने स्वीकार नहीं किए। और इसके बाद सन 1900 में तीन वैज्ञानिक हुए, कार्ल कोरेंस सेकंड थे, ह्यूगो डी ब्रिज और थर्ड थे सेरमैक। इन तीनों वैज्ञानिकों ने मेंडल के नियमों को दोबारा से लिखा, इन पर दोबारा से प्रयोग किए और उसके बाद प्रयोग करने के बाद इन्होंने उन नियमों को अनुवांशिकी का प्रयोग कहा। और इन तीनों वैज्ञानिकों के द्वारा अनुवांशिकता की जो नींव इन्होंने रखी थी उसको आगे बढ़ाया गया। तो मेंडल ने अनुवांशिकी के मटर पर लगभग, वैसे तो उन्होंने प्रयोग किए थे, लेकिन हम जो इंटर में पढ़ेंगे अपने 12th लेवल में पढ़ेंगे, इनके तीन नियम आते हैं। नंबर वन है प्रभाविता का नियम, इस नियम में मेंडल ने मटर के कोई दो विपरीत लक्षण या एक जोड़ी विपरीत लक्षण को ध्यान में रखकर पहले उनको क्रॉसिंग कराई और क्रॉसिंग कराने के बाद उन्होंने देखा कि कुछ लक्षण ऐसे थे जो F1 पीढ़ी में मौजूद नहीं थे। जैसे एग्जाम्पल पर बताएं कि इन्होंने लंबे मटर के पौधा लिया जिसमें लंबा पौधा था और एक पौधा इन्होंने बोना लिया, दोनों में जब क्रॉसिंग कराई तो F1 जनरेशन में जितने बोने पौधे थे वो गायब हो गए और सारे पौधे लंबे प्राप्त हुए। जबकि उनकी सेल्फिंग कराई, जो लंबे पौधे प्राप्त हुए उनकी जब सेल्फिंग कराई तो उन्होंने देखा कि 25% पौधे बोने भी प्राप्त हुए। जैसे लंबे पौधे जो उन्होंने लिए उसको हम लिख सकते हैं Capital T, ये इसका जीनोटाइप है Capital T। और जो बोने पौधे थे उनको हमने लिख दिया Small T। ये लंबे पौधे हैं और ये बोने पौधे, इनकी जब क्रॉसिंग इन्होंने कराई
पहले इस वाले टी की मल्टीप्लाई इससे करेंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी, उसके बाद इस वाले टी की दूसरे वाले टी से, तो आएगा कैपिटल टी और स्मॉल टी, इस वाले टी की इस वाले स्मॉल टी से, कैपिटल टी और स्मॉल टी, और फिर इस वाले टी की इस वाले स्मॉल टी से, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो इसमें पहला लक्षण, ये जो कैपिटल है ये प्रभावी है और ये स्मॉल जो लिखा है ये अप्रभावी है। तो इस प्रकार जो पहला लक्षण है इसका, ये लंबा लक्षण, ये कैसा हो गया, प्रभावी हो गया। ये हुई F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में सारे पौधे जितने भी प्राप्त हुए 100% वो लंबे पौधे प्राप्त हुए, अर्थात ये जो बौनापन का इनमें लक्षण था ये छिप गया, लेकिन जब इन्होंने F1 जनरेशन में सेल्फिंग कराई, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, जब इन्होंने F1 जनरेशन में सेल्फिंग कराई, कैपिटल टी फिर इस वाले टी के इससे, कैपिटल टी स्मॉल टी इस स्मॉल टी की इस कैपिटल टी से, कैपिटल टी स्मॉल टी और इस स्मॉल टी की स्मॉल टी और स्मॉल टी, यानी 75% लंबे पौधे और 25% या 25% बौने पौधे। अर्थात जो करैक्टर या जो लक्षण F1 पीढ़ी में छिप गया था बौनापन, वो F2 पीढ़ी में, ये F2 जनरेशन है, F2 पीढ़ी में या F2 जनरेशन में वो लक्षण दोबारा दिखाई देने लगे। सेकंड नियम मेंडल ने दिया, कारकों के पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम। इस नियम के अनुसार जो हमारे लक्षण थे, जो शुद्ध लक्षण थे पौधे के, वो कितने भी समय एक साथ रह लें या एक दूसरे के साथ रह लें, वो हमेशा शुद्ध बने रहते हैं, कभी एक दूसरे के साथ रहने पर भी अशुद्ध नहीं होते। तो ये हो जाएगा कितने भी समय युग्मक एक साथ रहने पर भी उनके लक्षणों में कोई परिवर्तन नहीं होता। अर्थात जैसे F1 जनरेशन आई, F1 जनरेशन में जो बौनापन था उनका लक्षण, बौने पौधों का जो लक्षण था वो छिप गया था, लेकिन बौने पौधों के लक्षण जो F2 जनरेशन में हुआ वो दिखाई देने लगा, अर्थात वो कभी समाप्त नहीं होता और अगली पीढ़ी में पुनः वापस आ जाता है। इसके बाद मेंडल ने दिया थर्ड नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इस नियम को हम डाईहाइब्रिड क्रॉस से समझ सकते हैं, डाईहाइब्रिड डाईहाइब्रिड क्रॉस द्वारा इस नियम को समझा जा सकता है। इस नियम के अनुसार उन्होंने कोई दो जोड़ी लक्षण, फर्स्ट वाले में क्या लिया था, प्रभाविता के नियम में कोई एक जोड़ी लक्षण थे, एक जोड़ी विपरीत लक्षण थे, लेकिन स्वतंत्र अपव्यूहन में दो जोड़ी लक्षण या चार लक्षण उन्होंने लिए, और जब चार लक्षणों का उन्होंने क्रॉसिंग कराई तो उन्होंने देखा कि जो पहली जनरेशन थी उसमें केवल दो ही लक्षण दिखाई दिए और दो लक्षण अप्रभावी रहे, लेकिन जब उनकी सेल्फिंग कराई तो नेक्स्ट जनरेशन में F2 जनरेशन में वो लक्षण भी दिखाई दिए। इन्होंने इसमें जो लक्षण लिए थे, चार लक्षण, एक था पीला गोल
बीज का रंग था और बीज की आकृति। सेकंड, हरा गोल। थर्ड, पीला झुर्रीदार। फोर्थ, हरा झुर्रीदार। इनका जीनोटाइप लिखेंगे तो ये हो जाएगा, पीले को वाई से लिखेंगे येलो और गोले को राउंड से आर। तो जहाँ कैपिटल आर होगा वहाँ पर गोल होगा और जहाँ कैपिटल वाई होगा वहाँ पीला होगा। जबकि हरे को लिखेंगे स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, जहाँ स्मॉल वाई होगा वहाँ हरा होगा और गोला गोल कैपिटल आर, कैपिटल आर। पीला झुर्रीदार यानी डबल वाई और झुर्रीदार में हो जाएगा स्मॉल आर, स्मॉल आर। राउंड था, गोल था तो कैपिटल आर लिया था और जब झुर्रीदार लेंगे तो स्मॉल आर लेंगे। हरा झुर्रीदार स्मॉल वाई, स्मॉल वाई और स्मॉल आर, स्मॉल आर। ये इन्होंने चार लक्षण इसमें लिए मेंडल ने। तो जब इन्होंने ये लक्षण लिए और जब एफ टू जनरेशन का अनुपात आया वो निकल कर आया 9:3:3:1, 9:3:3:1। इनका एफ टू जनरेशन में जो अनुपात निकल कर आया वो ये आया। इन्होंने जब पीला गोल और हरा झुर्रीदार को ध्यान में रखकर क्रॉसिंग कराई तो फर्स्ट जनरेशन में ये हो गया पीला गोल या येलो राउंड और ये हो गया हरा गोल या ग्रीन रिंकल्ड। जब इसकी क्रॉसिंग कराई उन्होंने तो इसका रिजल्ट आया, यानी जो राउंड था ये प्रभावी था और जो येलो था ये प्रभावी था, झुर्रीदार और हरा रंग जो था वो अप्रभावी था। तो सारे प्लांट्स कैसे हुए? पीले गोल। लेकिन जब इनकी सेल्फिंग कराई, जैसे मैंने बताया सेल्फिंग कराई, तो अनुपात आया 9:3:3:1। इसको हम डाईहाइब्रिड क्रॉस से समझते हैं। इसमें हमने ये चारों लक्षण लिख लिए, ये पीला गोल, हरा गोल, पीला गोल, हरा गोल, पीला झुर्रीदार और हरा झुर्रीदार। इसमें हमने ये चार लक्षण लिख लिए। जैसे हमने इधर लिखे हैं ऐसे हम इन लक्षणों को इधर लिख लेंगे। पहले कॉलम बना लेते हैं। कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर सॉरी स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल स्मॉल आर और स्मॉल वाई। जैसे इधर लिखे हैं चारों लक्षण ऐसे ही इधर लिख लिए चारों लक्षण। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों की करेंगे सबसे पहले, तो आ जाएगा कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई और कैपिटल वाई। उसके बाद इन दोनों की करेंगे तब आएगा कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। फिर इसकी इन दोनों से करेंगे तो आएगा कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई और कैपिटल वाई। उसके बाद इसकी इससे करेंगे तो आएगा कैपिटल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। उसके बाद इन दोनों की करेंगे कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। फिर इनकी करेंगे कैपिटल आर, कैपिटल आर, स्मॉल वाई और स्मॉल वाई। उसके बाद इन दोनों की करेंगे कैपिटल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। फिर इन दोनों की करेंगे कैपिटल आर, स्मॉल वाई और स्मॉल वाई। उसके बाद इन दोनों की करेंगे कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई और कैपिटल वाई। इनकी करेंगे कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। इनकी करेंगे स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। उसके बाद इन दोनों की करेंगे स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। फिर इन दोनों की करेंगे कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। फिर इनकी करेंगे कैपिटल आर, स्मॉल वाई और स्मॉल वाई।
इनकी करेंगे, स्मॉल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। फिर इनकी करेंगे, स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई और स्मॉल वाई। अब इसमें हम रेशियो ढूंढेंगे, तो जहाँ पर भी कैपिटल आर और कैपिटल वाई होगा वो होगा राउंड येलो, 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 एक ही राउंड येलो है, एक ही राउंड येलो है। काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक कहीं और होगा, 1 2 3 4 5 6 7, एक ही है, 8 और 9। तो इनका रेशियो कैसा आया, इनका रेशियो आया 9। तो पीले गोल जो होंगे यहाँ लिख लेते हैं, पीला गोल, इनका रेशियो निकल कर आया 9। अब हम देखेंगे हरा गोल, तो हरे गोल में क्या होगा, हरे गोल में जहाँ पर वाई होगा, स्मॉल वाई और कैपिटल, स्मॉल वाई और कैपिटल आर, जहाँ पर भी ये होगा वो हरा गोल होगा। तो देखते हैं, इनमें नहीं है, एक ये है, हरे गोल में, क्योंकि ये हमने 9 यहाँ पर ये हो गए थे, इन पर ऐसी लाइन रहने देते हैं, और एक ये था, एक ये, और ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक, एक ये था 9। अब इसके अलावा जो बचे हैं उनमें ढूंढेंगे हम, इनमें हमें ढूंढना है हरा गोल। तो हरे गोल में मैंने बताया कि जिसमें स्मॉल वाई और कैपिटल आर होगा, तो स्मॉल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल आर इसमें होगा, स्मॉल वाई इसमें है, तो एक ये हो गया हरा गोल, ठीक। और दूसरा ढूंढेंगे फिर, एक स्मॉल वाई कैपिटल आर ये है, सेकंड ये हो गया, और एक और होगा, ये है कैपिटल आर और स्मॉल वाई थर्ड, तो ये 3 हो गए, ठीक। पीले गोल हमारे पास 9 आए थे, हरा गोल आ गए 3। अब हम ढूंढेंगे पीला झुर्रीदार, पीला झुर्रीदार, तो पीले झुर्रीदार में क्या होगा, पीले झुर्रीदार में वाई कैपिटल होगा, और पीले झुर्रीदार में वाई कैपिटल और आर स्मॉल होगा, रिंकल्ड, येलो रिंकल्ड। तो पीला झुर्रीदार में बच्चों कैपिटल वाई और स्मॉल आर होना चाहिए, कैपिटल वाई स्मॉल आर, एक ही हो गया, कैपिटल वाई और स्मॉल आर, एक ही हो गया, और कैपिटल वाई और स्मॉल आर, एक ही हो गया। तो इसका भी अनुपात कितना आया, 3। और उसके बाद हम ढूंढेंगे हरा झुर्रीदार, हरा झुर्रीदार या ग्रीन रिंकल, तो ग्रीन रिंकल एक ही है बस, ये हमारे पास बचा हुआ है 0:1। तो इनका अनुपात कितना आया, 9:3:1। तो इस प्रकार मेंडल ने दिया, डाईहाइब्रिड क्रॉस से हमने इसको समझा। मेंडल ने तीसरा नियम दिया, जिसमें जब उन्होंने दो जोड़ी विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉसिंग कराई, तो F1 जनरेशन में एक ही लक्षण या दो लक्षण दिखाई दिए, केवल पीला गोल। और उसके बाद जब F1 जनरेशन की उन्होंने सेल्फिंग कराई, तो हमारे पास जो रेशियो निकल कर आया वो ये आया, 9 जो थे वो 9:3:1, यानी पीले गोल, उसके बाद हरे गोल और पीले झुर्रीदार और हरा झुर्रीदार। F1 जनरेशन में जो लक्षण छिपे हुए थे वो F2 जनरेशन में दिखाई देने लगे। इस प्रकार मेंडल ने ये 3 नियम दिए, जिन्हें अनुवांशिकता का नियम भी कहते हैं। इसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे 2 ऐसे अनुवांशिक रोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ट्रांसफ़र होते हैं, जिनमें सबसे पहला आता है
हीमोफीलिया। हीमोफीलिया इसमें क्या होता है, इसमें यदि चोट लग जाए, किसी व्यक्ति के चोट लग जाए या दुर्घटना घट जाए उसके साथ, तो उसका जो ब्लड होता है, रक्त होता है, उसका थक्का नहीं जम पाता और कभी कभी उसकी ज़्यादा ब्लड बह जाने से मृत्यु भी हो जाती है। तो इसमें क्या होगा, इसमें रक्त शरीर के बाहर थक्का नहीं बनाता। यदि किसी व्यक्ति के चोट लग जाए या उसकी दुर्घटना हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार हीमोफीलिया में क्या होता है, रक्त शरीर के बाहर थक्का नहीं बनाता। यदि चोट लग जाए तो किसी व्यक्ति के चोट लग जाए तो उसके शरीर में रक्त का थक्का शरीर के बाहर नहीं बनता और ब्लड यूं ही बहता रहता है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र हो जाता है ये जो रोग है। इसके अलावा दूसरा रोग है वर्धानता, इसको कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। इसमें क्या है, ये रंगों का होने वाला रोग है। इसमें हरा और लाल रंग में जो रोगी होगा उसको, वो हरा और लाल रंग में अंतर नहीं कर पाता और उसको वो रंग लगभग एक समान दिखाई देते हैं ज़्यादातर। वैसे और भी रंग होते हैं लेकिन हरा और लाल रंग में तथा लाल रंग में भेद नहीं कर पाता, ये अंतर नहीं कर पाता, अंतर नहीं कर पाता। वर्धानता में हरे और लाल रंग में जो इसका रोगी होगा वो अंतर नहीं कर पाता। रेलवे में जो नौकरियां होती हैं उसमें ये टेस्ट पहले कराया जाता है। यदि किसी को वर्धानता होती है तो उसको नौकरी नहीं दी जाती। अब एक प्रश्न ऐसा आता है कि यदि वर्धांध पुरुष का विवाह या हीमोफीलिया पुरुष का विवाह, दोनों एक ही बात है, कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, वर्धांध भी लिख कर आ सकता है और हीमोफीलिया भी लिख कर आ सकता है। यदि किसी वर्धांध व्यक्ति का विवाह सामान्य स्त्री से करा दिया जाए तो उसमें होने वाली संतान कैसे होंगी, वर्धांध पुरुष का विवाह सामान्य स्त्री से तो इनमें होने वाली संतान कैसे होंगी, तो इसमें लिख देते हैं, वर्धांध पुरुष एक्स वाई, जो 23वां जोड़ा होता है मनुष्य में वो एक्स वाई होता है पुरुषों में, और जो स्त्री में होता है वो एक्स और एक्स होता है। और बच्चों इसके जो जीन होते हैं हीमोफीलिया के वर्धानता के, वो हमेशा एक्स पर लगे होते हैं, वाई पर लगे हुए नहीं होते। यदि मान लीजिए ये एक्स और वाई है और इस पर ये जीन इसका लग गया, वर्धानता या हीमोफीलिया दोनों में से किसी का भी, तो ये क्या होगा, ये रोगी हो गया। लेकिन यदि एक्स और एक्स है, ये कौन है, ये स्त्री है, एक्स और एक्स गुणसूत्र 23वां जोड़ा, अगर इस पर एक पर जीन लगा हुआ है तो ये क्या होगा, ये स्त्री रोगी नहीं होगी, ये होगी वाहक, कैरियर, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इसे लेकर, इस रोग को लेकर जा सकती है लेकिन खुद रोगी नहीं होगी। उसके बाद यदि इन दोनों पर हो तो ये स्त्री कैसी होगी, रोगी होगी। ये स्त्री रोगी होगी। तो इस प्रकार देखते हैं, इसमें क्या बताया गया, वर्धांध पुरुष का विवाह यदि सामान्य स्त्री से कराया जाए तो उसमें होने वाली संतान कैसी होंगी। तो वर्धांध पुरुष, पुरुष पर तो एक पर ही जीन होता है, वाई पर जीन होता नहीं, तो मेंडल के अनुसार इनकी क्रॉसिंग कराते हैं, एक्स और एक्स, एक्स एक्स, इसके ऊपर जीन लगा हुआ तो यहाँ पर जीन लगा दिया, फिर इस वाले एक्स की, इस वाले एक्स से कराएंगे, एक्स और एक्स, इस पर जीन लगा हुआ है, जीन लगा देते हैं, फिर वाई की, एक्स वाई, और इस वाले वाई की, इससे एक्स है, एक्स और वाई, तो ये पुत्री हो गई, पुत्री और ये पुत्र।
इसमें इन दोनों का यदि विवाह कराया जाए तो इन इनसे जो उत्पन्न पुत्री होंगी वो होंगी बाहक, दिखने में सामान्य होंगी लेकिन इनके अंदर जो जीन है बड़भांडा या हीमोफीलिया का वो छिपा हुआ होगा, वो अगली पीढ़ी में दोबारा वापस आ सकता है और इससे जो पुत्र होंगे वो कैसे होंगे, सामान्य होंगे, सामान्य होंगे। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को हल कर लेते हैं। आपकी जो अभ्यास है उसमें और भी ऐसे प्रश्न दिए होंगे तो आप उनको इस टाइप से कर लेना। यदि कोई समझ में नहीं आया कुछ चीज़ तो आप पूछ भी सकते हैं। ये जो आज जितना भी वर्ग कराया, मेंडल के नियम पढ़ाए गए, मेंडल को अनुवांशिकता का पिता कहा जाता है, तीन नियम उन्होंने दिए, प्रभाविता का नियम और सेकंड था युग्मकों की शुद्धता का नियम, तीसरा था स्वतंत्र अपभिहून का नियम, डाई हाइब्रिड क्रॉस से हमने उसको समझा और उसके बाद ये हमने दो वंशागत रोग पड़े, हीमोफीलिया और बड़भांडा। हीमोफीलिया में रक्त शरीर के बाहर थक्का नहीं बनाता और बड़भांडा में हरा और लाल रंग में अंतर रोगी नहीं कर पाता। और इस टाइप से इनको कुछ प्रश्न आते हैं, इनको आप, ये एक मैंने बता दिया है और आपकी बुक में दे रखे हैं, उनको आप हल कर लें और यदि कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो पूछ लें। इसका जितना भी वर्क है जो आज कराया गया है यहाँ पर, ये PDF के माध्यम से आपको भेज दिया जाएगा और इसमें अभी इस चैप्टर में अभी कुछ टॉपिक बचे हुए हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा दूंगा और ये वाला जो वर्क है ये PDF के माध्यम से भेज दूंगा। धन्यवाद।